उदाहरण 14, किशोर ने 55,000 रुपये में बाइक खरीदी। यदि बाइक का अवमूल्यन 8% वार्षिक दर से होता है तो 2 वर्ष पश्चात बाइक का मूल्य क्या होगा? उदाहरण 14, हल। यहां बाइक का मूल्य बराबर दिया गया है 55,000 रुपये। अवमूल्यन दर जो है वह है 8% वार्षिक। इसके पश्चात समय है 2 वर्ष का और अभीष्ट मूल्य हमें इसका ज्ञात करना है। अब चूंकि अभीष्ट मूल्य बराबर होगा, अभीष्ट मूल्य बराबर वस्तु का मूल्य, गुणित 1 ऋण अवमूल्यन दर बटे 100 पूरे की घात समय। यहां पर क्योंकि वस्तु के मूल्य का अवमूल्यन हो रहा है, कमी हो रही है, इसलिए यहां पर ऋणात्मक चिन्ह लगाया गया है। अब हम यहां पर सभी मानों को रखते हैं। हमारे पास बाइक का जो मूल्य है वो कितना है, 55,000। एक ऋण अवमूल्यन की दर कितनी दी गई है प्रश्न में, 8% वार्षिक, इसलिए यह हुआ 8/100 और समय है 2 वर्ष। चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो हम देखेंगे कि 55,000 एक ऋण 8/100 को हम सरलतम रूप में लिख सकते हैं, 2/25 और घात 2। चलिए आगे हल करेंगे। अभीष्ट मूल्य बराबर हमें प्राप्त हुआ है, अभीष्ट मूल्य बराबर 55,000 गुणित एक ऋण 2/25 पूरे की घात 2। इसे सरल करते हैं, 55,000 और एक ऋण 2/25 को हम लिख सकते हैं 23/25 पूरे की घात 2। इसे हल करने के लिए हम इसे लिखेंगे 55,000 गुणित 23/25 गुणित 23/25। जब आप इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा, 25 के पहाड़े से हम इसे हल करें तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और ये 2 शून्य लगेगा। इसके बाद इसी प्रकार ये 2200 बार में कटा है 25 से, और पुनः यदि हम 25 के पहाड़े से इसे काटें तो ये हो जाएगा 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200 और 25 अट्ठे 200, यानी कि 88 बार में। तो हमें अंश में प्राप्त हुआ 88 गुणित 23 गुणित 23 और हर हो गया 1। तो हमें मिल गया है 88 गुणित 23 गुणित 23, जिसका मान होगा 46,552 रुपये। तो बाइक का जो अभीष्ट मूल्य है, चाहा गया मूल्य है, वो हो गया अभीष्ट मूल्य बराबर 46,552 रुपये। और इस प्रकार यह प्रश्न हल हो गया।